फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यहाँ पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाके। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी, अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। स्वास्थ्य शिविर के बहाने राजनीतिक जमीन तलाशने वाली डॉक्टर स्वप्ना वर्मा के शिविर का समापन हो चुका है। इस समापन अवसर पर डॉक्टर साहिबा ने एक पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि मैं विशुद्ध रूप से समाज सेवी ही हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। उनकी इस पत्रकार वार्ता में इस बार हिंदूवादी संगठन के कुछ ऐसे चेहरे जो चपरासियों की तरह काम करते हुए दिखा करते थे नहीं दिखे। संभवतः जिस तरीके से मीडिया में उनके संबंध में टीका टिप्पणी की गई उस बात से वे आहत हो गए। डॉक्टर साहिबा समाजसेवी हैं या राजनेता, यह समझ में नहीं आता। पत्रकार वार्ता के दौरान एक तरफ तो उनके समाजसेवी बैठा था, दूसरी तरफ एक राजनीतिक व्यक्ति का कार्यकर्ता। इससे यह अंदाजा लगा पाना कि ये समाज सेवी हैं या राजनेता हैं बड़ा कठिन है। समाज सेवा की इस पत्रकार वार्ता से कई पत्रकार मायूस होकर के भी लौटे। उन्हें कई पत्रकारों की उम्मीद थी कि गिफ्ट मिलेगा, लेकिन समाज सेविका ने बिना गिफ्ट के ही पत्रकारों को लौटा दिया। कई बार पत्रकारों के सवाल को लेकर पूरी तरह से आक्रामक तो नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जिन सवालों को लेकर उनकी आवाज़ थोड़ी तेज जरूर हुई। रोग मुक्त सतना के संकल्प के साथ स्वप्ना वर्मा का सतना में आगमन हुआ। कई कैंप वह लगा चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कब और कितने दिनों में स्वप्ना वर्मा अपने संकल्प को पूरा कर पाती हैं, क्योंकि उनका संकल्प है रोग मुक्त सतना। बीमारी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बीमारी मुक्त सतना का शिविर आयोजित किया था, महाशिविर था। 16 दिवसीय संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण का ये शिविर हमारी संस्था ने मिलकर हम सब ने और बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविक लोगों ने इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसको सफल बनाया। इस 16 दिवसीय संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर में लोगों की CBC, शुगर, BP जैसी जांचों को किया गया और लोगों को लाइफस्टाइल के प्रति प्रेरित किया गया, हेल्थ अवेयरनेस उनके अंदर बढ़ाई गई। जो बीमारियां कैंप के दौरान खुल के समझ में आई उसका इलाज किया गया, अन्यथा लोगों को कैल्शियम, मल्टीविटामिन, आयरन जैसी दवाइयां भी देकर उनको उसका महत्वपूर्ण उपयोग भी बताया गया। इस शिविर के दौरान एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा लोगों से और लोगों की पीड़ा का भी एहसास हुआ और हमें बहुत ही प्रेरणा मिली लोगों से और कार्य करने की एक प्रबल शक्ति भी मिली। और ऐसा लगता है मुझे, जितना विश्वास लोगों के अंदर देखने को मिला, कि जल्द ही हम इस प्रकल्प को इसी तरह से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाते रहेंगे और जल्द ही भारत को एक बीमारी और मुक्त करके स्वस्थ और समृद्ध भारत का सपना पूरा करेंगे। कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? लगभग 12,000 लोगों ने इस शिविर में, हमने खून और पेशाब की जांच करके उनकी डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाई है। ये प्रकल्प अपने में एक आधुनिक है क्योंकि ये डिजिटल हेल्थ कैंप हील रूरल इंडिया के अंतर्गत आता है। हर एक लाभार्थी की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनी है और उस प्रोफाइल के अंतर्गत में उनका इलाज किया जा रहा है। एक बड़ा प्रश्न ये था, आपके कैंप में जो डॉक्टर्स थे उसमें कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल लोग नहीं थे? नहीं, हमारे यहाँ संपूर्ण उसकी परीक्षण कराकर लोग डॉक्टर्स का पूरे तरह से MBBS डॉक्टर्स को रखा गया था और 10 लैब टेक्नीशियंस को रखा गया था और 5 पैरामेडिक स्टाफ को रखा गया था जो कि पूर्ण रूप से योग्य थे और अपने कार्य में सफल थे। मुत्यारगंज के आपके कैंप में एक पेशेंट का हाथ में सुई लगाने के कारण उसका हाथ उसका पूरा खराब हो गया था और उसके पास की जानकारी क्योंकि आपके द्वारा जारी नहीं की गई, उसमें क्या कहना? वो देखिए, जब भी ये एक बहुत ही मतलब इसमें किसी भी की गलती नहीं है, ना ही मरीज़ की ना ही डॉक्टरों की। कई बार नर्व्स इतनी डायलेटेड होती हैं कि वो किसी भी तरह का, आप कह सकते हैं कि खून का वहाँ फटना हो जाता है, जिसके चलते एक छोटा क्षणिक
वहाँ पर एक तरह को, आपको मैं बताऊँ भाषा में, कि एक तरह का सूजन देखने को मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होती है, कुछ समय बाद वो डाइल्यूट हो जाती है। जी, एक राजनीतिक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने अपनी बात में कहा, यहाँ पे लोग ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में आपका ये समाज सेवा करना, ये कहाँ तक आपका कहना? देखिए, जब ये प्रकल्प की शुरुआत हुई थी तो ये कर्नाटक से हुई थी। जो लोग भी ये सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा पिछले जाके देखें कि जब ये कर्नाटक से चालू हुआ था, तब ये प्रकल्प ना ही चुनाव में फंसा, ना किसी और आंधी में फंसा, ये वहाँ से चला और चल भी रहा है आज। और क्योंकि सतना मेरी जन्मभूमि है, तो मैं इसको यहाँ पर स्थापित कर रही हूँ। अब आज चुनावी वर्ष हो सकता है, दो साल बाद भी चुनाव आ सकते हैं, तो ये तो एक साधारण चीज़ें हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी, उसको चुनाव से क्यों जोड़ना है? कभी आप सतना चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं क्या करूँगी क्या नहीं, ये भविष्य बताएगा। मैं आज क्या कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने भाजपा पार्टी ज्वाइन की है, अगर कभी भी जीवन में मुझे मेरा परिवार उस योग्य समझेगा, उस योग में बन पाऊँगी, वो योग समझेंगे, तो मैं ज़रूर उनका साथ दूँगी, ज़रूर लड़ूँगी।